हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्फोसिस के बारे में बताऊंगी कि अगर आप लेटरल जॉइनर्स हैं तो क्या प्रोसेस है इंटरव्यू देने का, इंटरव्यू कैसा रहा मेरा और यहाँ के प्रोजेक्ट्स कैसे हैं और वर्क कल्चर कैसा है। तो मैं बता दूँ, पहले तो इन्फोसिस का 5 बेनिफिट्स, 5 नहीं मतलब जो रैंडम मुझे लगा वो मैं पहले बता देती हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है, लीव्स का इतना कोई इशू नहीं है। आपको अगर जेन्युइन रीज़न है तो उतना नहीं पूछते मैनेजर्स की क्यों लीव चाहिए, कैसे चाहिए। वो अगर आपका काम हो रखा है या नहीं भी है तो इतना कुछ आप पे बहुत प्रेशर नहीं है कि अगर आपने लीव ले लिया तब काम रुक जाएगा, या आपके ऊपर इतना डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो ये बेस्ट पॉइंट हो, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस देख रहे हो तो इन्फोसिस अभी बेस्ट चॉइस है आपके लिए। और पर्क्स में मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि अदर कंपनीज़ दे रही और ये नहीं दे रही, और ये दे अदर कंपनीज़ दे रही और ये नहीं दे रही, या ये दे रही अदर नहीं, बैलेंस्ड है। वही आपका पीएफ वेफ कटता है, कुछ अलग नहीं है। वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ इंटरव्यू प्रोसेस वही है, naukri.com या लिंक्डइन या रेफरल के थ्रू आपके पास मेल आएगा अगर आपने अप्लाई किया है तो। और पहले तो टेक्निकल राउंड्स होते हैं जिसमें आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट में, आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद सेकेंड टाइम क्या होता है, मिक्स होता है, उसमें तो ज़रा सा टेक्निकल होगा, ज़रा आपका आपके बारे में पूछेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी रिलेटेड। फिर HR से नेगोशिएशन होता है, अगर ये सब सही चलता है तो आपका विद इन अ मंथ और 15 डेज के अंदर आपको बता देते कि आपको इतना इतना सैलरी दे रहे हैं। अगर आपने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया ज्वाइनिंग के बाद, आपको उनके खुद के इंटरनल पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको अपने स्किल्स को टैग करके बताना होता है कि आप इस इसमें एलिजिबल, आपको ये चीज़ें आती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है विद इन अ मंथ। प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद आपका, जैसे मैंने बताया, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं यहाँ पे, तो वही चिल एकदम रहता है, कुछ वैसा नहीं है कि आप पे बहुत प्रेशर है आपने आज ही करना है। अच्छा सा डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट है सपोर्ट प्रोजेक्ट है, डिफेक्ट असाइन हुआ ऐसे यार, तो आपको सही टाइम मिल जाता है अच्छे से। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में करो या 1 दिन में करो। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी है यहाँ की कि एम्प्लॉय पे इतना प्रेशर नहीं डालते। और जो पसंद नहीं आई वो ये है कि एम्प्लॉय को उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। तो दोनों ही चीज़ें, एक जो चीज़ फ़ायदेमंद है वो दूसरे साइड में वो सही चीज़ भी नहीं है। तो इन्फोसिस आप तभी ज्वाइन करना या जब आपको या तो बहुत सही पैसा दे रही है और आपको मनी और वर्क लाइफ बैलेंस ही मैटर करता है। आप मन भर के कोडिंग कर रखे, प्रोग्रामिंग आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ करना है तो ठीक है, इन्फोसिस सही है। लेकिन अगर कुछ चैलेंजिंग चाहिए काम से रिलेटेड, या जो एक प्रॉपर लाइफ होता है ना प्रोग्रामर का वैसा चाहिए, तब तो ऑब्वियसली कोई और कंपनी ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, जो इन्फोसिस के जो हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं वो सपोर्ट के होते हैं, जो टफ़ प्रोजेक्ट्स भी हैं ना वो किसी और कंपनी ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी कर रखा होता है। तो काम के मामले में ज़रा सा मैं पीछे रहूँगी इस इन्फोसिस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूँ। अदरवाइज बेनिफिट में मेडिकल की भी मुझे, जैसे मेरी प्रीवियस कंपनी थी वो साल में क्या था कि आपको एक हेल्थ चेकअप फ्री होता था, मतलब अपोलो या कोई ऐसी हॉस्पिटल में जाइए, आपका हर बॉडी फुल बॉडी चेकअप आपका साल में एक बार फ्री होगा, बस आपको HR से साइन करवाना है। ये सारी चीज़ें मुझे इन्फोसिस में नहीं दिखी, सिंपल वही नॉर्मल सैलरी आया। जैसे CTC आपको सपोज X अमाउंट है तो आपको इन हैंड बहुत कमाएगा, तो वो तो कैलकुलेटिव है। अदरवाइज़ इफ़ यू थिंक कि अप्लाई कैसे करना है, तो वही लिंक्डइन में आपके पास आएगा, लिंक्डइन के थ्रू ज़्यादा चांसेस है इंटरव्यू कॉल का। अदरवाइज़ रेफरेंस है तो बेस्ट है, और naukri.com अदरवाइज़। थैंक यू।